भारत को छठे दिन शूटिंग में मिले 2 स्वर्ण और 2 रजत। टेनिस में साकेत रामकुमार ने जीता सिल्वर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एशियाई खेलों का शुक्रवार 29 सितंबर को छठा दिन है। भारत को छठे दिन शूटिंग में 4 पदक मिले हैं। टेनिस में 1 रजत हासिल हुआ। इससे पदकों की कुल संख्या अब 30 हो गई है। इससे पहले खेलों के 5वें दिन तक भारत 6 स्वर्ण 8 रजत और 11 कांस्य के साथ 5वें पायदान पर रहा था। अब भारत के 8 स्वर्ण 11 रजत 11 कांस्य हो गए हैं। पलक ने स्वर्ण और ईशा ने रजत जीता। शूटिंग में भारत को आज 2 पदक और मिले। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पलक ने स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया, वहीं ईशा सिंह ने रजत पदक पर कब्जा किया। पाकिस्तान की किशमाला तलय को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। पलक ने 242.1 और ईशा ने 239.7 का स्कोर किया, वहीं किशमाला ने 218.2 का स्कोर किया। ईशा का यह प्रतियोगिता में 4था पदक है। अद्वैत तैराकी के फाइनल में पहुंचे। तैराकी में पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक हीट में अद्वैत तैराकी के फाइनल में पहुंचे। तैराकी में पुरुषों की 200 मीटर बैक स्ट्रोक हीट में अद्वैत 2 मिनट 3 सेकंड का समय लेकर कुल मिलाकर 7वें स्थान पर रहे। वह शाम 5:26 पर होने वाले फाइनल में पहुंच गए हैं। राम कुमार और साकेत को रजत पदक से करना पड़ा संतोष। टेनिस के पुरुष युगल स्पर्धा में भारत को 1 रजत पदक मिला है। साकेत मायनेनी और राम कुमार रामनाथन की जोड़ी फाइनल में हार गई। दोनों को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। साकेत और राम कुमार को चीनी ताइपे के जेसन और यू हासियू ने मिलकर सीधे सेटों में हरा दिया। सिंधु की सनसनीखेज हार। थाईलैंड के खिलाफ महिला टीम इवेंट में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें पोर्न पावी चोचुवोंग ने 3 गेम तक चले मुकाबले में हरा दिया। सिंधु यह मैच 21-14, 15-21, 14-21 से हार गई। भारत अब थाईलैंड के खिलाफ मैच में 0-1 से पीछे हो गया। शूटिंग में आया सोना। शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह, स्वप्निल और अखिल की तिगड़ी ने कमाल कर दिया। तीनों ने मिलकर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। तीनों मिलकर 1769 का स्कोर किया। चीन के लिन शू हाओ और जिया मिंग की जोड़ी को रजत पदक मिला, वहीं कोरिया के खिलाड़ियों ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम इवेंट में भारत को रजत। शूटिंग में भारत को एक और पदक मिला है। 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीत लिया। भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों ईशा सिंह, पलक और दिव्या ने कमाल कर दिया। तीनों ने देश को एशियाई खेलों में मौजूदा संस्करण का 26वां पदक दिलाया। ईशा सिंह, पलक और दिव्या की टीम 1731 से 50 गुणे के स्कोर के साथ 2रे स्थान पर रही। चीन की रैक्सिंग ली और नान की जोड़ी ने स्वर्ण पर कब्जा किया। पीवी सिंधु थाईलैंड की चोचुवोंग के खिलाफ 2रा गेम 15-21 से हार गई। अब मैच का मुकाबला 3रे गेम में होगा। क्वालिफिकेशन में 2रे स्थान पर रहे ऐश्वर्य। पुरुष 50 मीटर राइफल 3P में ऐश्वर्य ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वह कुल 396 अंक के साथ 2रे स्थान पर रहे। ऐश्वर्य चीन की डू लिनशु से केवल 1 अंक पीछे हैं। स्वप्निल 395 के साथ 3रे स्थान पर हैं, जबकि अखिल 391 के साथ 11वें स्थान पर संघर्ष कर रहे हैं। सिंधु ने पहला गेम जीता। पीवी सिंधु को पोर्न पावी चोचुवोंग के खिलाफ पहले गेम में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने पहले गेम में 21-14 से जीत हासिल कर मैच में 1-0 की बढ़त ले ली। महिला रेस वॉक में 5वें स्थान पर रही प्रियंका। भारत की प्रियंका गोस्वामी महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा में 1 घंटे 43 मिनट और 7 सेकंड के समय के साथ 5वें स्थान रही। वह पदक से चूक गई। शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।